नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लांट ब्रीडिंग विद यश पांचसूर्या में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसे कहा जाता है कि कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज हम एक रीजन से दूसरे रीजन में ले जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो चीज इंट्रोड्यूस हुई। यहाँ पे हम किस चीज का इंट्रोडक्शन करेंगे कि प्लांट का इंट्रोडक्शन करेंगे कि प्लांट स्पीसीज है, प्लांट के जर्मप्लाज्म है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, एक कंट्री से हम दूसरे कंट्री में उसको ट्रांसफर करते हैं तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे कि प्लांट इंट्रोडक्शन बोलेंगे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्री वॉरियर्स में डाल दिए। अभी तक आपने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो प्लीज दोस्तों आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्मप्लाज्म एक्सचेंज के बारे में। तो हम जर्मप्लाज्म एक्सचेंज किसको कहेंगे? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ जर्मप्लाज्म इज नोन एज जर्मप्लाज्म एक्सचेंज। हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं जर्मप्लाज्म का, उसको क्या बोलते हैं कि जर्मप्लाज्म एक्सचेंज बोलते हैं। तो प्लांट इंट्रोडक्शन हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? प्लांट इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अ जीनोटाइप और ग्रुप ऑफ जीनोटाइप ऑफ प्लांट इनटू अ न्यू एरिया और रीजन वेयर दे वर नॉट बीइंग ग्रोन बिफोर। कि प्लांट इंट्रोडक्शन किसे कहा जाता है कि हमारे जो जीनोटाइप है और ग्रुप ऑफ जीनोटाइप है हम उसको एक नए रीजन में ले जाते हैं कि इनटू न्यू एरिया में और न्यू रीजन में ले जाते हैं कि जहां वो पहले ग्रोन नहीं हुआ करते थे, कि पहले वो वहां पे नहीं हुआ करते थे, हम उसको क्या बोलेंगे कि प्लांट इंट्रोडक्शन बोलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि क्रॉप जीनेटिक रिसोर्स डिपेंडेंसी के बारे में। इट इज डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ रिलायंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ कंट्री और रीजन ऑन एक्सोटिक जर्मप्लाज्म। जो कोई भी कंट्री है और जो कोई भी रीजन है उसका डिपेंडेंस हो एक्सोटिक जर्मप्लाज्म में तो हम उसको क्या बोलेंगे कि क्रॉप जीनेटिक रिसोर्स डिपेंडेंसी बोलेंगे, कि वो डिपेंड है एक्सोटिक जर्मप्लाज्म में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हम प्लांट ब्रीडिंग में प्लांट इंट्रोडक्शन को कौन कौन से टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? तो हम प्लांट इंट्रोडक्शन को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक है प्राइमरी इंट्रोडक्शन और एक है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन किसे कहेंगे? जो हमारी इंट्रोड्यूस वैरायटी है, हमारे इंट्रोड्यूस क्रॉप है, वो क्या हो जाती है कि वेल एडेप्ट हो जाती है न्यू एनवायरनमेंट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन बोलेंगे। विदाउट जीनेटिक चेंज, विदाउट सिलेक्शन, वो क्या हो जाएंगे कि वेल एडेप्ट हो जाएंगे न्यू एनवायरनमेंट में, और हम उसको क्या कर देंगे कि कॉमर्शियल कल्टिवेशन के लिए रिलीज कर देंगे वो वैरायटी को, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन बोलेंगे। When the introduced variety is well adapted to the new environment में क्या हो गई कि well adapted हो गई, it is a release for the commercial cultivation without alteration it's in genotype। उसके genotype में हम कोई alteration नहीं करते, कोई change नहीं ले आते और हम वो variety release कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि primary introduction बोलेंगे। कुछ example है हमारे इंडिया में primary introduction के कि सेमी dwarf variety like Sonara 64 and Lerma Rajo। These varieties are example of primary introduction। की जो variety Sonara 64 और Lerma Rajo है वो introduce की थी और बाद में directly release की गई थी कि without selection, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि primary introduction। दूसरा example है semi dwarf rice का, उसमें variety है TN1, IR8, IR20N and IR36। These are the example of the primary introduction in our country। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे secondary introduction के बारे में। जब हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन करते हैं और उस वैरायटी में हम सिलेक्शन करते हैं, उस वैरायटी का हम यूज हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए करते हैं और हम जो वैरायटी डेवलप करते हैं तो हम उस वैरायटी को क्या बोलेंगे कि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन बोलेंगे। The introduced variety may be subject to selection and used in hybridization program to develop a new superior variety, it is known as a secondary introduction। This secondary introduction is more common than the primary introduction। This secondary introduction है वो क्या है कि more common है than the primary introduction। Secondary introduction का use हम ज्यादा करते हैं क्योंकि हम जो variety introduce करते हैं वो क्या है कि वो हमारे environment में directly adapt नहीं होती है, हम उस variety का use करते हैं, selection में करते हैं और hybridization में करते हैं, इसीलिए हम secondary introduction are more common than the primary introduction। कुछ example है हमारे secondary introduction के कि कल्याण सोना एंड सोनालिका variety of wheat। These variety are selected from material introduced from Smith, Mexico।
जो हमारा वीट इंटरनेशनल वीट रिसर्च स्टेशन है सीमित मेक्सिको में, वहां से जो वेराइटी इंट्रोड्यूस की थी, बाद में उसका उस वेराइटी का यूज हमने किस में किया कि सिलेक्शन में किया और हाइब्रिडाइजेशन में किया, और हमारी नई वेराइटी डेवलप की कल्याण सोना एंड सोनालिका, वो क्या है कि एग्जाम्पल है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन की, प्लांट इंट्रोडक्शन की हिस्ट्री क्या रही इंडिया में। द मुस्लिम इन्वेंडर्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया चेरीज एंड ग्रेप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। जो हमारी चेरीज एंड ग्रेप्स है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी कि मुस्लिमों ने इंट्रोड्यूस की थी फ्रॉम अफगानिस्तान से। इन 16th सेंचुरी द पोर्टुगीज आर इंट्रोड्यूस मेज चिली स्वीट पोटेटो ग्वावा पाइनएप्पल एंड पपैया। जो कैश्यूनट है, मेज है, चिल्ली है, पोटेटो स्वीट पोटेटो है, ग्वावा है, पाइनएप्पल है, वो किसने इंट्रोड्यूस की थी 16th सेंचुरी में। पोर्टुगीज जो इंडिया आए थे वो उसके साथ ये सारी चीजें लेके आए थे। बाद में हमें पता है कि अंग्रेज आए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी लेके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आर ब्रॉट दी टीज कैमेलिया साइनेंसिस। तो आजकल हम जो टी यानी कि चाय पी रहे वो कौन लेके आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई थी। लीची एंड लोकवाट आर फ्रॉम चाइना। चाइना से हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है कि लीची एंड अदर वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, वो भी कहां से हमने इंट्रोड्यूस किया है कि चाइना से इंट्रोड्यूस किया है। कलकत्ता बोटानिकल गार्डन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1781। जो ये हमारा कलकत्ता बोटानिकल गार्डन है उसका नाम अभी चेंज हो गया है, उसका नया नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन। ये दोस्तों आप याद रख लीजिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है कि कलकत्ता बोटानिकल गार्डन का नया नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन इन कलकत्ता। द क्यू बोटानिकल गार्डन, क्यू बोटानिकल गार्डन इन इंग्लैंड अरेंज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्विनाइन एंड रबर्स फ्रॉम साउथ अमेरिका इन टू इंडिया। हमने क्विनाइन और रबर ट्रीज कहां से इंट्रोड्यूस किए थे कि साउथ अमेरिका से इंट्रोड्यूस किए। अब जो हम सब ये इंट्रोड्यूस करते उसकी सेंट्रल एजेंसी कौन सी है इंडिया में, तो उसकी सेंट्रल एजेंसी है NBPGR, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये एक सेंट्रल एजेंसी है इंट्रोडक्शन की, जो ये सब इंट्रोडक्शन है, प्लांट के इंट्रोडक्शन है, जर्मप्लाज्म एक्सचेंज है, वो क्या करती है कि रेगुलेट करती है। उसकी स्थापना, उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था कि इन 1976 में NBPGR का गठन हुआ था। NBPGR फंक्शन एज अ सेंट्रल एजेंसी फॉर एक्सपोर्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जर्मप्लाज्म ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। बाद में दोस्तों अब हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, अभी हम प्लांट इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसका पर्पस क्या है। तो पहला पर्पस है कि एंटायरली न्यू क्रॉप प्लांट, हमारे रीजन में वो क्रॉप प्लांट ग्रो नहीं होता, हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एंटायरली न्यू क्रॉप प्लांट हम ले आते हैं, न्यू वेराइटी हम ले आते हैं कि अमेरिका में जो डेवलप हुई नई वेराइटी हम इंडिया में ले आते हैं। तो जो वेराइटी हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्टली रिलीज करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन। अब वो वेराइटी का हम क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में यूज करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अनदर पर्पज इज अ सेविंग अ क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। हमारा क्रॉप है वो ससेप्टिबल हो गया, वो डिजीज से ससेप्टिबल हो गया, हम नई कोई वेराइटी और नई कोई स्पीसीज ले आते हैं उस क्रॉप की, तो वो क्या है कि वो डिजीज फ्री होगी और वो इंसेक्ट फ्री होगी। एंड प्लांट इंट्रोडक्शन का हम यूटिलाइजेशन करते हैं इन साइंटिफिक स्टडी में, हम जर्मप्लाज्म कलेक्शन करते हैं साइंटिफिक स्टडी। यही बात मैंने यहाँ पे चार्ट के स्वरूप में दी गई है कि हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, डायरेक्ट कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एज अ वेराइटी और एज अ पेरेंट इन हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन फॉर डिजायरेबल टाइप्स, यूज एज अ डोनर पेरेंट एंड पोटेंशियल ब्रीडिंग मटेरियल फॉर फ्यूचर। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के बारे में, जो प्लांट इंट्रोडक्शन के कुछ अचीवमेंट है इंडिया में, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला अचीवमेंट है कि डायरेक्टली रिलीज एज अ वेराइटी, यानी कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन का अचीवमेंट। हमने देखा था कि सोनारा 64 एंड लर्मा रज्जो वेराइटीज ऑफ वीट, हमने उसको क्या किया था कि डायरेक्टली कल्टीवेशन में ले लिया था, बाद में TN1, IR8, IR36, वो जो राइस की वेराइटी है वो भी हमने क्या की थी, डायरेक्टली रिलीज एज अ वेराइटी फ्रॉम दी IRRI फिलीपींस। बाद में कुछ सोयाबीन की वेराइटी है, ब्रेग ली क्लास 63 एंड हिल डेविस, ये जो सोयाबीन की वेराइटी है उसको भी हमने क्या किया था कि डायरेक्टली रिलीज एज अ वेराइटी। टू वेराइटी ऑफ वीट, कल्याण सोना एंड सोनालिका, दे वेर सिलेक्टेड फ्रॉम मटेरियल इंट्रोड्यूस फ्रॉम सीमित से जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया था उससे सिलेक्शन करके हमने वेराइटी डेवलप की थी कल्याण सोना एंड सोनालिका। एंड अदर वेराइटीज आर डेवलप थ्रू सिलेक्शन आर जामनगरी जायंट एंड इम्प्रूव गाना ऑफ पल मिलेट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन के मेरिट्स क्या क्या है,
तो प्लांट इंट्रोडक्शन से क्या होता है कि एंटायरली न्यू क्रॉप प्लांट, हम नया कोई क्रॉप प्लांट ले आते हैं। अब जो हम नया कोई क्रॉप प्लांट ले आते हैं तो उस क्रॉप प्लांट में हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और नई वेराइटी डेवलप करते हैं। तो ये मेरिट है प्लांट इंट्रोडक्शन के। प्लांट इंट्रोडक्शन से क्या होता है कि हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी पॉसिबल कर पाते हैं कि कुछ वेराइटी के जर्म प्लाज्म है, एग्जाम्पल ग्राउंड नट के जर्म प्लाज्म है। तो ग्राउंड नट के जर्म प्लाज्म हमें क्या कहां मिलेंगे कि डायरेक्टर ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च है इंडिया में जूनागढ़ में, वहां पे हमें ग्राउंड नट के काफी सारे जर्म प्लाज्म मिल जाते हैं जो वो इंट्रोड्यूस किए गए थे एनबीपीजीआर के थ्रू डीजीआर में फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। दिस प्लांट इंट्रोडक्शन इज अ क्विक एंड इकोनॉमिकल मेथड फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट व्हेन इट इज अ डायरेक्टली रिलीज्ड एज अ वेराइटी और इट इज अ रिलीज एज वेराइटी आफ्टर सिलेक्शन। कि जो ये प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड है वो क्विक एंड इकोनॉमिकल मेथड है एंड crops may be introduced in new disease free area to protect them from damage. हम कोई crop species है, कोई crop plant है, उसका damage free area में जब introduce करते हैं तो हम उसको क्या कर पाते हैं कि disease और insect pest से हम उसको protect कर पाते हैं। लेकिन कुछ demerit भी है plant introduction के। कौन कौन से demerit है? जब भी हम कोई plant introduce करते हैं तो उसके साथ कुछ weed seed आ जाते हैं, वो क्या होते हैं कि noxious weeds होते हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वो कौन कौन से नॉक्सियस वीड है कि आर्जेमोना मैक्सिकाना, एक्रोनिया क्रेप्सिस एंड फाइलारिस माइनर, दीज आर दी सम एग्जांपल ऑफ नॉक्सियस वीड्स व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू प्लांट इंट्रोडक्शन। कुछ डिजीज भी है वो क्या है कि प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए। वो कौन कौन से डिजीज है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम यूरोप, फ्लेक्स मड ऑफ वीट वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कॉफी रस्ट आर केम फ्रॉम सिलोन एंड बंचिट ऑफ बनाना विच आर केम फ्रॉम सिलोन। वो कॉफी रस्ट एंड बंचिट ऑफ बनाना है वो कहां से इंट्रोड्यूस हुए थे? श्रीलंका में से इंट्रोड्यूस हुए। कुछ इंसेक्ट पेस्ट है यानी कि पोटेटो ट्यूबर मॉथ वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द इटली एंड एप्पल वूली एफिड एंड साइट्रस स्केल इंसेक्ट आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन इंडिया थ्रू प्लांट इंट्रोडक्शन। कुछ हम प्लांट्स लेके आए थे एज अ ऑर्नामेंटल स्पीसीज, लेकिन वो इंडिया में इंट्रोड्यूस होते ही क्या बन गया है कि एक वीड स्पीसीज बन गई और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। वो कौन कौन से स्पीसीज थे? वाटर हाइसिंथ यानी कि जड़ कुंभी हम उसको गुजराती में बोलते हैं, और लैंटाना कैमेरा। दीज आर इंट्रोड्यूस एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट बट नाउ इज अ नॉक्सियस वीड। जब हम कोई प्लांट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करता है कि हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करता है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन से उसका एक डीमेरिट है कि थ्रेट्स ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, सम इंट्रोड्यूस स्पीसीज मे डिस्टर्ब टू इकोलॉजिकल बैलेंस इन देयर न्यू होम। हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ क्रॉप प्लांट्स इनटू न्यू एनवायरनमेंट तो वो क्या करती है कि वहां कंपटीशन करती है और उसके इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करती है कि थ्रेट्स हानि पहुंचाती है। इट मे कॉज अ सीरियस डैमेज टू द इकोसिस्टम। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।